नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। और अब आपको दिखाते हैं 115 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागती ट्रेन। जी हां, आज भारतीय ट्रैक पर 115 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन भागी। इस ट्रेन में स्पैनिश बोगी थी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं स्पेन से इसकी बोगियां लाई गई है और आज 9 बजे इसका ट्रायल रन हुआ। बरेली से मुरादाबाद के बीच इसका ट्रायल रन किया गया आज पहली बार। स्पेन से आए हुए इंजीनियर्स की टीम है वो काम कर रही है और अलग डिब्बे में उन्होंने अपना सेटअप लगा रखा है और साथ ही साथ तमाम तरीके की चीजें उन्होंने बना रखी है यहाँ पर, और सेंसर्स जो लगे हैं उनसे जो भी डेटा आएगा उनको वो दिखाएंगे। यहाँ पर मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहूंगा। जैसे इस ट्रेन की अगर हम बात करें तो देखिए ये अलार्म के लिए जो है यहाँ पर खींचने के लिए है, साथ ही साथ ये छोटी सी हथौड़ी है। और इसकी खासियत क्या है, ये इतनी इसके जो एजेज हैं शार्प है, देखने में भले छोटी लग रही हो जब कोई परेशानी आए तो इससे जो है शीशे को तोड़ा जा सकता है। और इस खास बात यह है इसकी टिप पर जो है डायमंड लगा हुआ है। और यहाँ पर जैसे कि आप कुर्सियां देख सकते हैं, अलग तरीके की कुर्सियां हैं, सारी चीजें यहाँ पर तैयारी पूरी तरीके से है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बोरियां रखी गई हैं, यहाँ पर इंसान के तौर पर या हम कह सकते हैं सवारी की जगह बोरियां रखी गई हैं। हर एक बोरी में जो है 40 किलो रेत है, तो कुल मिलाकर एक एक डिब्बे के अंदर 1 टन से ज्यादा का जो है बालू चढ़ाई गई है। तो कुल मिलाकर इसकी टेस्टिंग इसी तरीके से की जाएगी बरेली और मुरादाबाद के बीच में। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ सिद्धार्थ, बरेली जंक्शन आज तक।